दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद होनहारों की एक सीरीज जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसे एथलीट की जिन्होंने स्टेट लेवल पर मेडल भी जीता है और अब आगे खेलना भी चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन की संघर्ष की कहानी ऐसी रही जिसे आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई में अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो कितना बड़ा संघर्ष होता है, लेकिन जब आपके स्थितियाँ आपके अनुकूल न हों तो दिक्कतें और बढ़ती हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं राजस्थान के एक ऐसे एथलीट सुरेश कुमार, जिनकी चर्चा आज हम करते हैं और वो बताएंगे अपने जुबानी कैसे उन्होंने संघर्ष को जीता है। पैरा एथलेटिक्स में आया उससे पहले मेरा संघर्ष ये रहा, जैसे मैं 3 वर्ष का था उस टाइम मेरे को पोलियो हो गया था। उस टाइम जैसे हमारे मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ तो ग्रामीण में एक ही चीज चलती थी कि अगर विकलांग है, अगर विकलांग के सुबह सुबह दर्शन हो जाते हैं तो पूरे दिन खाना नहीं मिलता है, तो एक नेगेटिविटी गांव में चल रही थी, अलग प्रकार की धारणा चल रही थी। तो उस टाइम मेरे को ये लगता था कि ये लोग हमारे साथ ऐसा ट्रीट क्यों करते हैं, हमारे साथ ऐसी दुर्भावना क्यों करते हैं। तो मैं शुरू में ये सोचता रहता था कि अपने में क्या कमी है, अपने साथ ऐसा क्यों होता है, जबकि एक जो दिव्यांग होता है उसको सर्वप्रथम परिवार से संघर्ष करना पड़ता है और उसके बाद में समाज से संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद में जो आगे गेम में आता है वहां पर भी उनको संघर्ष करना पड़ता है। इसके लिए मैंने शुरू से ही संघर्ष से शुरुआत मैंने मेरे शरीर से संघर्ष किया, उसके बाद में मेरे परिवार से तो मेरे को सपोर्ट मिलता था कि मेरे परिवार चाहता था कि आप पढ़ लिख करके नौकरी लग जाए तो अच्छा हो, लेकिन उसमें मेरा को ये लगता था कि जैसे लोगों की तरह ये रहता था कि ये एक दिव्यांग है, हमारे गांव के आसपास में कई दिव्यांग थे उनके साथ गलत होता था, तो मेरे को ये लगता था कि अपन को इस लोगों के लिए काम करना चाहिए, तो मैंने उनके लिए भी काम किया। उसके बाद में ये लगता था कि सब लोग गेम करते थे, खेलते थे, तो मेरे भी मन में ये होता था कि मेरे को भी गेम खेलना है, लेकिन लोग ये कहते थे कि आप गेम नहीं कर सकते, आप एक विकलांग हैं, आपको चलने फिरने में असमर्थ हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने 2017 से गेम चालू किया स्टेट लेवल, मैंने 2017 में डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल प्राप्त किया और जेवलिन में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। उसके बाद में 2018 में पंचकुला नेशनल में पार्टिसिपेट किया, वहां पर मेरा मेडल नहीं था लेकिन मैंने नेशनल खेल के आया था। उसके बाद में 2019 में मैंने स्टेट लेवल पे डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता और उसमें मेरा नेशनल में भी सिलेक्ट हो गया था, लेकिन वो किसी कारणवश नेशनल नहीं हो पाया। 2020 में जोधपुर में डिस्कस थ्रो में मैंने गोल्ड मेडल जीता और मेरा नेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से मैं वो नेशनल नहीं हो पाए, लेकिन अब दोबारा ये नेशनल होंगे, जैसे अब दोबारा स्टेट होगा और उसके बाद में नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेने का मेरे को मौका मिलेगा। बता रहे हैं कैसे गांव की जो जीवन होते हैं उसमें अगर आप दिव्यांग हो गए तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनके जीवन में भी उस तरह की समस्याएं आई। सुरेश, आप ये बताएं कि जब आपके साथी लोग खेलते रहे होंगे उसमें आप मन में आए कि हम भी खेलें, पढ़ाई की अलग एक परेशानी थी चूंकि गाँव उसमें दिव्यांगों के लिए स्कूल सुविधाएं उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाती थी, न उनकी बात उठ पाती थी, तो ऐसे में जब आपका संघर्ष शुरू हुआ तो आपके जीवन में वो कौन लोग थे जिन्होंने आपकी मदद की कि नहीं सुरेश को भी आगे जाना है, सुरेश को भी आगे बढ़ाना है। जैसे मैं परिवार की बात करूं तो परिवार में मेरे मम्मी पापा का मेरे को पूरा सहयोग रहा। मम्मी पापा यही चाहते थे कि हमारा बेटा, लोग विकलांग बताते हैं लेकिन ये एक अच्छा काम करके दिखाए या अच्छी नौकरी लगे या आगे पढ़ लिख करके मतलब अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करे। तो मैंने जैसे ग्रामीण में जो स्कूल होती थी वो दिव्यांग के हिसाब से एसेसेबल नहीं होती थी, क्योंकि मेरे को जैसे गांव में जाना पड़ता था, उस टाइम मैं घुटने के बल चलता था, गांव में पढ़ता था घुटने के बल चलता था, तो गांव में मेरे को 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, लेकिन मैं जाता था तो कभी मम्मी छोड़ने जाते थे। उसके बाद में जब मैं घुटने के बल चलता था, पापा ये चाहते थे कि मेरा बेटा इस तरह से परेशान ना हो, तो पापा ने मेरा जब मैंने 6वीं पास की उस टाइम में जहां पापा जी नौकरी करते थे वहां डॉक्टर के पास ले जाकर के मेरा ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन करवा करके 3-4 महीने मेरे को वहीं रखा
और उसके बाद में दो बैसाखियों से चलने लगा। लेकिन फिर पापा का यही मानना था कि आप दो बैसाखी से चलोगे तो आप अकेले आत्मनिर्भर कैसे बनोगे, जैसे बस में जाना हो, किसी गाड़ी में बैठना हो, तो आपको एक बैसाखी से चलना होगा। तो मेरे पापा करते थे, सुबह मेरे उठता था तो मेरे को एक मैप बना करके देते थे कि ये मैप है और इसमें आपको 10 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का बना के देते थे कि इस रास्ते से आपको इधर से निकलना है। तो रोज मेरे पापा मेरे को मैप बना कर देते, उस मैप से मैं धीरे धीरे एक्सरसाइज करता था चलने की कि मेरे को इधर से जाना है, इधर से आना है। तो ये एक्सरसाइज करने पर मैं एक बैसाखी से चल पाया, तो इसके श्रेय में मेरे पापा को देता हूँ। सुरेश की जो एक कहानी है जो बता रहे हैं कैसे उनके पिता ने उनकी सहयोग किया और एक उनको चाहत भी थी कि उनका बेटा अपने पैरों पर चले, लेकिन ये एक जो आपका संघर्ष रहा, राजस्थान के झुंझुनू से आते हैं, झुंझुनू एक ऐसा इलाका है जो जयपुर से काफी दूर है, लेकिन अब सुरेश के लिए न तो झुंझुनू से जयपुर की दूरी बहुत ज्यादा लगती है, न झुंझुनू से देश विदेश तमाम जगह जा रहे हैं जैसे पंचकूला इन्होंने बताया। अब आपका लक्ष्य क्या है सुरेश, जब आपने गोल्ड मेडल जीता तो गोल्ड मेडल जीतने के बाद जब आप गांव गए होंगे उस समय गांव में क्या माहौल बना उसको बताएं आप, और साथ ही साथ जब आपने अपने दोस्तों के बीच में ये बताया होगा कि अब मैं पंचकूला खेलने जा रहा हूँ, नेशनल खेल के आऊंगा, डिस्कस थ्रो कर रहे हैं आप, डिस्कस थ्रो को लेकर के किस तरह की जागरूकता आपके गाँव में आई? मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुआ था, मैं खेलने गया था तो गांव का वातावरण में बहुत बदलाव था। गांव की जो पहले जो सोच थी मेरे प्रति वो बिल्कुल ही उल्टी हो गई। जैसे मैं नेशनल खेल के आया पंचकूला में, उसके बाद में मेरे गांव में सरपंच के द्वारा जब मेडल जीत के आया था तो गाजे बाजे के साथ मेरा स्वागत किया गया था, और गांव के लोग ये सोच रहे थे कि एक ये दिव्यांग होता है, होते हुए भी गेम कर सकता है, मेडल प्राप्त कर सकता है, इतना संघर्ष कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरह से मेरे गांव में एकदम से बदलाव आया है, जो पहले की जो सोच थी उसको, सोच को बदलने में मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि मैंने प्रयास किया है, मेहनत की है। और गांव का कहना यह भी है, जैसे मैंने पढ़ाई भी किया है और मैंने गेम भी किया है, और गेम के साथ साथ जैसे मैंने मेरे समाज के लिए काम भी किया है, सोशल वर्कर के तौर पर मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं। तो मेरे गांव में ये रहता है, सारे लोग ये बोलते हैं कि वो लड़का गेम भी करता है और लोगों के सहयोग भी करता है, और इसके लिए मैंने राजस्थान में पिछले 5-6 साल से जयपुर में रह करके लोगों के लिए जैसे नियम बनवाना, विकलांग अधिकार अधिनियम है, इसके लिए हमने प्रयास किया है, और विकलांग 21 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर भी हमने सरकार के द्वारा कई बार धरने प्रदर्शन भी किए हैं, और जो भी समस्याएं लोगों को हमारे को आ रही थी उनको हमने सुलझाने का प्रयास किया है। और जैसे इसमें संघर्ष में आया हूं, उसमें मेरा जो सोशल वर्कर में पूरा जो श्रेय रहा है वो श्रेय मैं सरज त्रिपाठी को देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जैसे तैयारी कर रहा था उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं कुछ नंबरों से रह गया था, तो मैं एकदम नर्वस हो गया था कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो इस टाइम मेरे को सरज जी मिले थे, तो सरज जी ने मेरे बात की कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ सुरेश भाई, कोई बात नहीं है, लेकिन आप में वो एबिलिटी है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो आपको सोशल वर्कर के फील्ड में आना चाहिए। तो सोशल वर्कर के फील्ड में मैं जब आया तो मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन जैसे शरद त्रिपाठी जी ने मेरे को गाइड किया, वो गाइड करने के बाद में पिछले 5 साल से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मैंने सोशल वर्कर फील्ड में आने के बाद में बेंगलोर, पूना, केरल, कलकत्ता और महाराष्ट्र कई जगह जाकर के हमारे लोगों के सेमिनार अटेंड किए हैं, उनकी आवाज उठाई है, और मैं मजदूर किसान शक्ति संगठन की अरुणा जी और निखिल जी के साथ मिलकर भी हमारे लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करता रहता हूं। कोरोना का जब समय आया तो उस समय सुरेश भाई से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कई दिव्यांगों की समस्याओं को मुझे बताया भी था। शरद त्रिपाठी खुद एक दृष्टिबाधित हैं, लेकिन वो इसमें एक सरकारी पद पे काम कर रहे हैं जिसकी चर्चा सुरेश जी कर रहे हैं, उनका भी इंटरव्यू मैं आपको दिखाऊंगा कभी, लेकिन अभी फिलहाल शरद जी की चर्चा यहाँ नहीं हो रही है। लेकिन सुरेश जी एक चीज ये बताएं कि जब आपको लगा कि भाई सारी चीजें हो गई, अब आप नेशनल स्तर पर खिलाड़ी बन गए हैं, सामाजिक बदलाव आपने बताया, सरपंच ने आपका स्वागत किया, घर का आपने बदलाव बताया ही, लेकिन अब आपसे आखिरी सवाल यही है कि दिव्यांग होने के साथ ही साथ आप होनहार भी हैं, क्योंकि हमारे सीरीज में होनहारों की चर्चा होती है, आप उन दिव्यांगों के लिए क्या करना चाहेंगे जो आपके झुंझुनू, सीकर या राजस्थान, या राजस्थान के बाहर जो भी एथलीट हैं जो खेल रहे हैं, साथ ही साथ आपका संदेश क्या है? दूसरी चीज, अब आप चाहते क्या हैं, अब इसके बाद आप क्या, आपका सपना क्या है कि मुझे अगर यह काम हो जाए तो मेरा जीवन जो है और भी आनंदित हो जाए? सर्वप्रथम जैसे मैं गेम के बारे में जो भी मेरे साथी मिलते हैं तो उनको गेम के बारे में बताता हूँ, क्योंकि गेम से अपन को एक तो अपने जो शरीर होता है वो बिल्कुल सही चलता है,
और उसमें अपन जैसे इनामी जीत कर आते हैं तो सम्मान में समाज में अपन एक सम्मान बढ़ता है। तो मैं मेरे लोगों को यही आह्वान करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने गेम में पार्टिसिपेट करें, भागीदारी करें। और दूसरा मेरा ये है गेम में कि जैसे मैं तैयारी कर रहा हूं, उस हिसाब से मैं 2-3 साल तैयारी करके एशियन खेलना चाहता हूं। एशियन खेल करके फिर जैसे आगे जो भी हमारे लोग हैं, दिव्यांग साथी हैं, उनके लिए एक अकेडमी खोल करके उनको प्रशिक्षण दिया जाए ताकि हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ मिल सके। क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसी अकेडमी नहीं है जो कि हमारे लोगों को अनुकूल, उनको एसेसिबल कोई अकेडमी हो। इस तरह का मेरा आगे का विचार है कि एशियन खेलने के बाद में मैं और शरद जी मिलकर के ये प्रयास करना चाह रहे हैं। दूसरा जैसे समाज के लिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, समाज के लिए अभी तक मैं काम करता रहा हूँ। जैसे इनामी राशि को लेकर भी मैंने लोगों के लिए पिछले कोरोना महाकाल से प्रयास किए हैं, सरकार से बार बार मैंने चिट्ठी पत्र लिखे हैं और लोगों से संपर्क किया है और वो इनामी राशि हमारे लोगों को मिलना शुरू भी हो गई है। अभी जैसे मैं 2-3 दिन से हमारे लोगों की कुछ 4 साल के फॉर्म अटके हुए थे, उन फॉर्मों के लिए भी मैंने 2 बार प्रयास किए हैं और खेल सचिव से मिलकर के उनके बारे में बताया है कि हमारे लोगों के जो फॉर्म बच गए हैं उनको आप जमा कीजिए ताकि उनके बची हुई इनामी राशि आगे आ चुके। और हमारे लोग जितने भी समस्याओं से जूझ रहे हैं वो मेरे से संपर्क करके बताते तो उनको मैं समाधान करने के लिए भी तैयार रहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आप देख रहे थे होनहारों की एक सीरीज में आज हमारे साथ थे सुरेश कुमार जो एथलीट हैं और डिस्कस थ्रो में अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलना चाहते हैं और अपने साथियों के लिए काम करना चाहते हैं। लगातार हम इस तरह के प्रयास करते रहेंगे कि आपको ऐसे होनहारों को ले आऊं, मैं दिखाऊं, उनकी बातें सुनाऊं। लेकिन आज बस इतना ही, अगले कड़ी में हम किसी और एक होनहार से मिलेंगे जो अपनी बात अपनी जुबानी सुनाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। लगातार ऐसी अपडेट खबरें, अपडेट स्टोरियां आपको मैं दिखाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।